कैसे भाई, ठीक हो? बाशा कैंडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ए कम ऑन बाशा। ओके, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, डेंजू आया हूँ मूवी के साथ। जालिस ने मुझे जो है ना, मतलब यहाँ की नहीं नहीं एंट्री फीस भी नहीं देनी थी। नहीं, अब मेरे पे आया, मैं कहाँ से। अच्छा, यहाँ का जो पूरा जू है वो मूवी ने खुद बनाया है और पहली दफा यहाँ के एनिमल्स में वीडियो बनाने वाला, तो ऑन के साथ वीडियो बनाई थी पहली दफा। जो यहाँ की वीडियो बनाई थी ऑन ने, किस ऑफ डेथ किया था वो ऑन यहाँ पे शो करता था ना, एनिमल शो करता था। हाँ, तो ये उसका था, उसका किया था। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और जब के साथ एंट्री किए तो सारा गार्ड हर कोई आके मूवी भाई जैसे पता नहीं। अच्छा, अभी हम ये चलेंगे इससे जहाँ पुराना जू जो था ना, अभी से कुछ चेंजिंग आ गई है। जनवरी तक तो था ये मेरे पास, उसके बाद से ये सभी लोगों के पास है, तो वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं जहाँ से मुझे पता है, क्योंकि अब नए केजेस बन गए, ये वाले केज मेरे टाइम के नहीं थे। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बर्ड एवरी है यार, यहाँ पे आग लगी थी एक बार। हाँ, ये बर्ड एवरी है, इसमें लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था। okay. 750 बर्ड्स थे, सारे पैरट्स वगैरह, फीजेंट्स और ग्राउंड बर्ड सारे मिलाकर। तो उसमें से हमारे पास बचे थे सिर्फ 17 बचे थे ग्राउंड बर्ड, 700 में से 17 बचे थे, 750 में से 750। अच्छा, कॉकटेल्स वगैरह शामिल नहीं थे, जो कॉकटेल्स वगैरह थे वो शामिल नहीं थे। ओके यार, ये बर्ड एवरी आप देख लें, आपने एक बर्ड एवरी देखी थी वो ट्रैक में वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर में, अब ये वाली आप बर्ड एवरी देखें, काकाटू वगैरह कैसे उड़ रहे हैं चेक करें। ये देखें आप, मतलब कितनी ज़बरदस्त जगह दी हुई है, एक सेकेंड। अच्छा, माशाल्लाह से स्पेस इतना ज़बरदस्त है। एवरी के अंदर बड़े बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, यहाँ पे सारा गिफॉन काकाटूज इन सब ने ब्रीड भी किया हुआ है। अच्छा, नेस्टिंग लगा दी थी ऊपर। हाँ, उसमें थोड़ा सा लगता हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं, अगर दिखाओ वो भी बैठी होगी, उसने ज़रूर बच्चे दे दिए होंगे। वो लगातार ब्रीड करती है ऊपर बैठी हुई है, और ये गिफॉन है, कुरेला और गिफॉन का पेयर लगा हुआ है खुद से, तो ये भी ब्रीड कर रहे होते हैं। ओह, तो भाई ये बर्ड एवरी है, यहाँ पे मुझे कॉकटेल्स नजर आ रहे हैं, पहाड़ी तोता नजर आ रहा है यार, बड़े जबरदस्त हैं। इलेक्ट्रिसिटीज हैं। ये पूरा कितने का बना हुआ है? कितने का यार, पहले की कॉस्टिंग की तो ऑब्वियसली पहले तो अलग कॉस्टिंग के हिसाब से दिया होता है। तो पहले ये भी बड़ी थी, झील भी कवर होती थी, लेकिन यहाँ पे पहले मगरमच्छ भी थे, मगरमच्छ वाली झील आ गया। मगरमच्छ आए अभी? नहीं, अब नहीं है, अभी देखते हैं, पता नहीं, मैं भी बहुत टाइम बाद आया हूँ, जनवरी के बाद आया हूँ, तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, तो अभी देखते हैं दोबारा। अच्छा, पता है क्या, मैं समझता हूँ जो बेस्ट टाइम है ना आने का वो सुबह का है, क्योंकि यहाँ रश नहीं है। नहीं, वैसे तो रश का टाइम नहीं होता, आपको एनिमल देखने का जो बेस्ट टाइम होता है जू विजिट करने का, वो 4 बजे का होता है। really? मेजॉरिटी जूज की जो फीडिंग इंटरनेशनली बता रहा हूँ, जितनी फीडिंग होती है वो शाम में 4 बजे स्टार्ट होती है, तो उस वक्त एनिमल सारे एक्टिव होते हैं। अच्छा, अदरवाइज सुबह में जो कार्निवोर्स होते हैं वो पड़े सो रहे होते हैं, और क्या नाम है, प्राइमेट्स वगैरह भी ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, चूचा कर रहे होते हैं। जो 4 बजे का टाइम होता है उसमें पब्लिक ज्यादा ही होती है, तो एनिमल्स को ये होता है कि हम लोग सुबह क्यों आए, हम तो अपनी वजह से ताकि अमन से सारा काम कर लेना। हाँ, आराम से वीडियो बना ले, इसलिए हम सुबह। लेकिन अच्छा है, पता है शाम में रश पर थोड़ा बढ़ जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ यार। बेसिकली अंदर अगर गया तो वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा अगर स्पेशल ट्रीटमेंट अगर मिल जाए ना, मतलब थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। ओ म्यूट स्वांस यार, ये तो बड़ी हेल्दी साइज है माशाल्लाह से, इनकी लैंडिंग बड़ी जबरदस्त होती है। नहीं, ये बर्तानिया में तो अभी उड़ने से कासिर हो गए, तो अब तो ये इनको कहते हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हो गए, क्योंकि इनको काफी से छेड़ा नहीं गया, उड़ते नहीं है, पर हमारे पास यहाँ के उड़ गई है, ये इतने हैवी वेट के साथ ये उड़ रहे हैं, अदरवाइज इतना उड़ते नहीं है, क्योंकि बहुत वजन हो चुके हैं, उनको कोई खतरा नहीं था, तो इन्होंने अपनी फ्लाइट अब भूल गए हैं, ये बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन अगर उड़ेंगे तो यहाँ से जाएंगे कहाँ? ये यहाँ से उड़ गए थे, आसमान पे चले गए थे, बिल्कुल माइन्यूट हो गए थे, छोटे छोटे, लेकिन कोई झील नहीं मिली, तो आसपास वापस नहीं आ गए। हाँ, बड़ी मुश्किल, नहीं कुछ बाहर उतरे, कुछ दूसरी भैरिया की झीलों पर उतरे, वहाँ से पकड़ पकड़ के लाना। अच्छा, इनके जो है ना पैरों में रिंग भी है, वो रिंग बर्ड्स है ना, इम्पोर्टेड है, जो है बाहर से ही है, तो उनको रिंग बर्ड। कितना बेटा? गुड़िया, ताकि ये इसके रिंग है भाई, येलो। अच्छा, इसके साथ घूम रहा हूँ ना, तो इसके चेहरे पे एक अलग खुशी है, क्योंकि पहले मतलब इसी के हाथ का ये जू बना हुआ है, इसी के हाथ के सारे जानवर। ये जो दरख्त लगे हैं ना, ये एक एक दरख्त का मुझे पता है, यहाँ के मालियों को भी ना पता होगा, मुझे पता होगा कौन सा दरख्त कहाँ लगा। अच्छा, मेरे ने बग्गी का वो ले लेते राउंड, ठीक है, बग्गी का राउंड। हाँ, उसके बाद में पैदल चले, क्या कहते हो? मुझे मसला नहीं है भाई, अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से किसी बाहर शहर से देख रहे हैं तो देख लें भाई, डेंजू ऐसा है। फिलहाल तो मेरी शक्ल देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है यार। ये मुझे बहुत पसंद है,
मीट स्वान, मेरे पास जगह होती है ना तो मैं ये मंगवा लेता। अच्छी बात है, मतलब यहाँ एनिमल्स हेल्दी हैं। अगर हेल्दी होंगे जब ही ब्रीड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये असली नहीं है। अच्छा भाई ये जो बग्घियाँ देख रहे हैं आप, तो अगर आप चलना नहीं चाह रहे तो आप इस बग्घी में घूम भी सकते हैं। बग्घी के राइड लेंगे, चले चले मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच। मंडे मीटिंग में सारे मोबी का सलाम मुनी बजस बाय द वे जी मोबी भाई। ये बग्घी यहाँ से स्टार्ट होती है बड़े एवरी के सामने से, ये थ्रू आउट सारा जू आपको मैक्सिमम 8 मिनट पर घुमा के ले आएगी यहाँ पे। लेकिन मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है पैदल चलने में क्योंकि कुछ केजेस ऑफ रोड है वो नहीं आते, वो उसके अंदर शामिल नहीं होते। दूसरा ये है कि क्या नाम है, मैं एक एडवाइस करूँगा कि जो आते हैं भाई 12-13 साल से छोटे बच्चे लेके नहीं आना क्योंकि ये 73 एकड़ जगह है। चल चल के बच्चों का हालत खराब हो जाती है। बग्घी में तो घूम लिया और जो लेडीज हैं वो हील पहन के हरगिज ना है, वो स्नीकर्स या जॉगर्स पहन करी है। कितनी जबरदस्त ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है भाई, ये जूते नहीं पहनना, जूते हील वाले नहीं पहनना। अच्छा जी, अच्छा ये हम आ गए हैं, ये कहां आ गए? ये चीतल का पहला केज आता है, चीतल है, चीतल इसके अंदर एक चीतल है, उसको डेंजर के नाम से मशहूर है वो, उसने यहाँ पे काफी बंदे फड़काए हैं, हाउस से मिला बंदे मारे उसने। हाँ हाँ, चलो भाई चीतल से मिलते हैं। चीतल इस चीज का ध्यान रखें प्लीज, बिल्कुल डोंट टीज द एनिमल, इट्स अ सिन। ठीक है जी, जानवरों को तंग ना कीजिए, गुनाह है। और एक और चीज, टेल योर चिल्ड्रन वी हैव इनफ फूड। ठीक है, इनको ये नहीं कि आके पॉपकॉर्न डाल रहे हो, चिप्स डाल रहे हो, पापड़ डाल रहे हो, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए यार। बादशाह कैंडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हे कम ऑन बादशाह, हे कम ऑन, ये इसको एंड्रेस किया था, इसको पाला था, और नर को भी। ये अपनी माँ का दूध पी रहे होते थे, माँ का दूध छोड़ के मेरे पास आ जाते थे। वाह, भाषा बहुत चेंज हो गया क्योंकि उसका पूरा, ओहो ये ब्लैक बग है भाई, भाषा जानू की शे जानू, अरे मतलब वाह, एंड ओए होए 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 होए, ये क्या नाम है इसका, ब्लैक बग का भाषा। और ये यार मैंने कभी कभी ऐसे हैंड टीम नहीं देखी है क्योंकि क्योंकि ये ऐसे होते हैं, भागते हैं, ये नहीं आते। कैंडी को तो मैंने खुद फीड किया था, उसकी मदर ने उसको ओन करने से कर दिया, लेकिन बादशाह था ये अपनी माँ का दूध पी रहा होता था। हाँ, और मैं आवाज मारूं ये अपनी माँ का दूध छोड़ के आ जाता था। अच्छा ये ऐसी चीज है, मैं पहली दफा देखी है ये ऐसे टेम हुए हैं। कैंडी कैंडी, अच्छा तुम्हारी आवाज पे आ रही है, आ जाओ। हां तो अच्छा ये बात भी सही है यार, मेरी आवाज पे क्यों आएगी? जो चाटना स्टार्ट करे ये कुत्ते की तरह, जिस तरह कुत्ते लिकिंग करते हैं ना, ये वो लिकिंग करेगी आपको थोड़ी देर में, गिनावे बस करते भाई क्या कर रही है ये वो करती है। डेंजू को बोलो यार दे दे यार प्लीज, पैसे ले लो डेंजू वालों, अगर आप लोग देख रहे हो मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक वॉक करते हुए चलेंगे, ये आप दे दे मुझे। ये कौन है? अच्छा इनकी याददाश्त कैसे होती है यार? नहीं वो ये याद रखते हैं, पुराने स्मेल से याद रखते हैं और अच्छा अब यहाँ से ये हमारे सारे इंडिजियस और हमारा नेटिव डियर था, ठीक है? यहाँ से खत्म होने के बाद अब जो हिरन स्टार्ट हुए अभी देखते हैं वही है नहीं, ये सारे जहाँ पे अरेबियन पेंसुला खत्म होता है। माशाल्लाह से इनकी हेल्थ कितनी अच्छी है जी, ये है इनकी हेल्थ कितनी जबरदस्त है, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह यार इनकी हेल्थ बहुत जबरदस्त है। ये आई थिंक ये जो आप एनिमल देख रहे हैं ये मुझे नील गाय लग रही है, नील गाय नहीं नहीं ये ईलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिरन है हूफ स्टॉक में। ओह डियर्स और एंटीलोप में जो सबसे बड़े होते हैं वो ये है। आजकल सारे ना ISI के लोगोस देखते हैं, लोग मारखोर बनाया हुआ होता है वो, आजकल इसकी रणनीति होती है कुदू की और लोग समझते हैं वो गाड़ियों के पीछे वो स्टिकर लगा है प्रोटेक्टेड बाय ग्लॉक प्रोटेक्टेड बाय 9mm जी जी, वो जो उसमें जो मारखोर की तस्वीर होती है वो इस जानवर की होती है, स्टिकर बनाने वाले देख ले भाई इस जानवर की होती है, लेकिन नो डाउट इसकी बहुत प्यारे सींग होते हैं। ये हिरन है, ये तो हिरन है ना? हाँ ये वो हिरन है जिसको आप हर दफा चीते शेरों को खाते हुए देखते हैं ना, बाला ये वो है जिसको बेचारे हर आप नेशनल ज्योग्राफिक में देखते हैं ना, हर खा रहा होता है ये। अच्छा ऐसी खास बात ये है कि इसके पाँव के नाखून के ऊपर छोटे से बाल होते हैं, वो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ओह ए विक्टोरिया आ जाओ, ओके अरे वाह, ए बेबी कम ऑन कम ऑन, यार इसका साइज कितना प्यारा है माशाल्लाह से, कम ऑन ए कम ऑन आ जाओ। अच्छा ये भी तेरे हाथ की बनी हुई है जी, ये तो मतलब ये यहाँ की सबसे प्यारी चीज है। अच्छा विक्टोरिया, इट्स अ वाइट लायनेस, हे विक्टोरिया हे जानू, अब अलाउ नहीं अंदर जाना वरना अंदर जा, इस फेंस को क्रॉस करते थे जब हम करते थे तो यार इसकी मोहब्बत ही अलग होती है यार। इसकी हेल्थ तो बड़ी जबरदस्त, मेरे ख्याल बच्चे काफी मतलब बच्चे दे चुकी है नहीं, ये बहुत इसको ऑब्सेसिटी बहुत मोटी थी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटी थी, तो क्या नाम है अब इसका हमने वेट कम किया क्योंकि ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। अच्छा विक्टोरिया विक्टोरिया अब ये लेके जाना चाहिए कि चलो मुझे खाने के पास ले चलो।
हाँ ये टाइगर्स हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? टाइगर्स मेरे ख्याल से इनके खाने, इनका खाने का टाइम हो रहा है, मैं गलत ना हूँ? अच्छा खाना आ गया। कैसे आप लोग? खैरियत से? इनके खाने का टाइम हो रहा है, खाना दे रहे हैं। टाइगर को कह रहे हैं कि 11 केजी मीट दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से कम है। 11 केजी कम है मीट? 11 केजी कम है मीट? हाँ बहुत कम है, टाइगर के लिए कम है। इस ईयर इतने एज के टाइगर के लिए तो कम है। ओके, तो अभी आपने विक्टोरिया देख ली, उसका टाइगर के नाम क्या था? टाइगर सिम्बा और मैरी। सिम्बा और मैरी देख ली है। टाइगर मुझे बड़े वीक लगे। मैं आपको बताऊँ, यहाँ हर कोई क्लेम करता है उनके पास अफ्रीकन लायंस है। अब आपको ये प्योर अफ्रीकन लायंस दिखा रहे हैं, जिसने दिखा होगा उसने देखा। इसके पास हम बाद में आएंगे, बाय द वे। साइज देखें इनका तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। शेरू उसे बच्चे दिए हुए उस तरफ। अच्छा बच्चे दिए हुए, लेकिन इसको बंद किया हुआ है, बाय द वे। छोटे बच्चे वो हो गई थी कि बच्चे कंसीव नहीं कर रही। अली विला से हमारे पास आई थी कि कंसीव नहीं कर रही। अच्छा, और से बच्चे दे दिए। अली विला क्या है भाई? वो मलिक रियाज के बेटे का घर है, वो ऊपर आपको दिखेगा, अभी थोड़ा दिखाऊंगा मैं कहां से। यार इसका साइज इतना बड़ा है, ये अफ्रीकन प्योर अफ्रीकन इम्पोर्टेड लायंस है ना? ये यहाँ का ऐसा वो नहीं है कि इसके अफ्रीकन और अच्छी डाइट में पले हुए। अब इनके भी अब्बा मेन भी अच्छा है, बहुत प्यारा। अब इसका जो मेन जो असल में ना, ये तो फीमेल के साथ आ गया है और ये डोमिनेंट था पहले। ये पहले अपने वो हायरार्की में नीचे था, जो इनका मेन है उस पर वो दिखाता हूँ कैसे। पूमा लेकिन हमारे नेटिव में तो नहीं पाए जाते। नहीं, हमारे नेटिव में पाए नहीं जाते, लेकिन बहुत ही अमेजिंग बात है कि पाकिस्तान में जितनी अच्छे तरीके से फ्लरिश करते हैं, इतने तो अमेरिका में भी नहीं करते, मेक्सिको में भी नहीं करते, जो हमारे पास करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब आप जू विजिट करें ना, तो आप फौरन चलते नहीं जाते। आपको 8 मिनट स्टैंडर्ड होता है, आपको खड़ो के केज पे दिखना पड़ता है, फिर आपको एनिमल दिखता है। और ये थोड़ी है कि वो आके खड़ा हो जाए और बताया है मैं ये जानवर हूँ, आपको थोड़ी देर तो वेट करें ना, वेट करना। जब छोटे केज होते हैं, बंदे बोलते हैं यार इतने छोटे केज में रखा हुआ है, ऐसे बड़े केज हो तो लोग बोलते हैं यार जानवर ही नहीं दिख रहा। तो आप लोग बोलेंगे दरमियाने केज, ये दरमियाने ही है वैसे, इंटरनेशनली हवाले से देखेंगे दरमियाने। इसके अंदर, इस केज के अंदर भी प्यूमास है। पूमा बहुत रखे हैं भाई, पूमा बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास। इधर फ्री बटर दे क्या? हाँ सस्ते में चार। अच्छा इसके अंदर एक पूमा है हमारे पास, वो पाइड है ये भी। ओह हाँ भाई, ये देख लो पूमा, देख लो बच्चों, पाइड पूमा, पाइड। वो चार्ल्स है, चार्ल्स, चार्ल्स। हे अच्छा, चार्ल्स ने पलट के देखा? हाँ नहीं, वो ये देखते हैं, पर ये अभी बिल्कुल नो लिफ्ट कराएंगे क्योंकि इनका खाना डलने का टाइम हो गया है, तो वो हमें लिफ्ट नहीं कराएंगे, वो उधर ही सुन। क्या नाम है, इंडियन लेपर्ड्स हैं जो हमारे पास अफ्रीका से आए हैं, ठीक है। अच्छा ये सबसे फेवरेट एनिमल होता है जगवार और लेपर्ड्स में, इसको इस तरह ट्रेन किया था। हालांकि जब ये आए थे तो इन्होंने एक महीना जिस फैसिलिटी से आए थे, एक महीना खाना नहीं खाया था, ये इंसान से बहुत डरते थे। अभी ऐसे हो गए हैं कि हमें बड़ा ईजी हो जाता है इनको खाना देना और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करना। एक वीडियो पहले भी आ चुकी है और उस पर ऑन नहीं की, खड़े होकर करो जमीन, इसका नाम ओमेगा है और फीमेल का नाम क्रिस्टी है। मेगा। वो अपने स्टैंड में आके बैठ गई है, बहुत प्यारी है। मैं ये जो आपके पास, आप ये मकूला नहीं सुनते, लपट झपट झपट के फिर लपट वाला जो होती है, हाँ। वो लेपर्ड्स में होता है ये। जब तक इनको तसल्ली नहीं हो जाएगी, ये आपको काटना नहीं छोड़ेंगे। ये हमें मार नहीं सकते जान के, अगर गर्दन पकड़ ली तो खैर है, वैसे ये मार नहीं सकते, लेकिन इतना काटते, इतना काटते हैं आपका कद्दू बना देते हैं, कीमा बना देते हैं काट काट के। तो इनके अंदर ये होती है, जिसने टेम किए हुए होते हैं उसकी थाइस वगैरह को ये काटते रहते हैं। लेपर्ड्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। पर्शियन लायंस, पर्शियन लायंस वो मैंने अफ्रीकन दिखाए थे, ये पर्शियन लायंस है। इनकी आई कलर थोड़ी डिफरेंट होती है इनका, इसके इनके बच्चों का कलर देखे अजलान, तुमने तो बच्चे देखे ना कितने सारे, कलर देखो हल्का सा फॉन पिंकिश कलर। यस 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 यस, ये पर्शियन लायंस है। ये भी पर्शियन लायंस यहां कराची में मैंने, मतलब पाकिस्तान में बहुत कम, हार्डली किसी में देखे होंगे ये फैसिलिटी में। ये मेरे पास चार नर थे और एक मादा थी। यार इतने बड़े हो गए ये यार। आप आई डोंट नो, आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं देखी, लेकिन ये वीडियो मैं लगा के दिखा रहा हूं एडिट में। ये जो तीन बच्चा मेरी गोद में देख रहे हैं वो बेसिकली ये हैं, लेकिन बहुत दूर से नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आई थिंक ये मुझे पहचान जाएंगे, पता है मुझे लगता है पहचान जाएंगे। ट्राई करता हूं आवाज मार के, है ना? हां लेकिन ये एक इनका बहुत बड़ा बहुत पुराना ट्रेनर आया था, उसको भी पहचान गए थे, ये पहचान गए थे, ऑस्कर को भी पहचान गए थे। अच्छा गोद में बिठा के इनको फीडर पे लाएंगे भाई, तीनों को देखते हैं भाई आते कि नहीं आते। ड्रैगो, ड्रैगो, इसके पैर में क्या हुआ है? ये डिफॉर्म्ड है। अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया यार ये। यार ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा शेर, ये बहुत छोटा सा होता था और इसको गोद में मैंने बड़ा प्यार से इसको दूध पिलाया। तीन थे बेसिकली, बाकी के दो ये रहे और एक मेल ये रहा। इनके बच्चे भी हो गए लेकिन बहुत कमजोर बच्चे हैं यार।
अच्छा एक चीज़ मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें इस केज के अंदर जाता तो ये लाजमी ड्रैगो जो आपने वाइट लाइन देखे मेरे पास आता और झप्पी तो देता, क्या कहते हैं आप? हाँ, उससे पहले वो आ जाते। शामले तो इसको डाउन सिंड्रोम है ना, देख आंखों से देख के पकड़ा है मैंने। हाँ, वो ये निशानी है, आंखों से पकड़ा है मैंने। हाँ जी जानू, और ये बहुत टेम है, क्या कहते हैं, ये बहुत टेम बच्चे हैं यार, इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल सकता है। अब इसको बुलाऊंगा तो आएगा, आओ, ये टेम है यार, ये तो अच्छा। बाय द वे डेंजू की एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि प्ले करूं वो पार्ट जिसमें एक वाइट टाइगर ने एक जू कीपर पे अटैक किया है। अगर उस वीडियो को आप गौर से देखें ना, उस वीडियो में आपको ये शख्स नजर आएगा अलग से, जिसने डंडा लिया हुआ है और शेर के मुंह में डाल रहा है ज़ू कीपर को छुड़वाने के लिए। यार वो क्या सीन हुआ था? यार वो बड़ा सीन था एक्चुअली। देखो हमेशा हमारी फॉल्ट होती है। हाँ। उस वक्त एक डॉक्टर की फॉल्ट थी। हाँ। ऐसा वो जो टाइगर था ना। हाँ। वो रहता था कुत्ते के साथ, अगर आपने बताओ। बिल्कुल टाइगर के साथ एक ब्लैक लैब्राडोर घूमता था। उसमें ये हो गया था कि ना कुत्ता टाइगर जैसे हरकतें करता था और टाइगर जो है वो कुत्ते जैसे हरकतें करता, मतलब टाइगर जो है पॉटी में मुंह डाल लेता था। उस दिन भी यही हुआ, उस दिन 14 अगस्त बकरीद साथ थी। हाँ। तो 2019 का गालिबन वाकया है। ओके। तो उसने क्या किया, क्या नाम है, उसने आके उसको, मतलब बकरीद का दिन था तो गोश्त आगे पीछे जाते, तो हमने 2 दिन स्किप कर दिया था, मतलब हमने आगे पीछे कर दिया डेट्स। ओके। तो उसको लग रहा था कि आज खाना मिलेगा, पर खाना नहीं मिला। अब हम खड़े हुए थे काफी सारे, वहाँ आवाम भी ज्यादा आ गई थी वाइट टाइगर को देखने के लिए, और हम डॉग को फीड करने गए थे। तो अब वो कह रहा है मुझे क्यों नहीं फीड कर रहे, उसने बोला भाई मुझे भी तो फीड करो, टाइगर कह रहा है। उसने आगे हमारे सामने पॉटी कर दी और दम लगा के पॉटी करी थी। अच्छा। ताकि ना हम आके साफ करें। हाँ। तो उसने क्या नाम है, हमने मना किया, फिर डॉक्टर ने बोला नहीं साफ कर दो, सामने ही कर दिया उसने। उसके बाद उस टाइगर ने अपना मुंह पॉटी के ऊपर रगड़ दिया, गंदा कर दिया। ओके। अब तो तुम आओगे पॉटी उठाने। हमने फिर हम अंदर एंटर हुए, जब अंदर एंटर हुए, बस वो आवाम का एक मतलब वो था। हाँ। कि उसने एक बंदे को, एक कीपर जो था हमारे साथ, हमारे 4 से 5 बंदे एंटर हुए थे, वो टेम था एक्चुअली। हाँ, टाइगर टेम था। हाँ, वो नहीं, वो असल में था कंडीशनली टेम था। ओके। एक ओल्ड स्कूल मेथड के तहत टाइगर्स को ट्रेन किया जाता है, वो उस तरीके से का ट्रेन का। तो उसने फिर वो हमारे थे एक कीपर हाकिम भाई, उनको पकड़ लिया था, और मेरा मोस्ट सीनियर और बहुत अच्छा कीपर मेरा। मतलब वो वीडियो बहुत डेडली है। हाँ। और कमज़ोर दिल वाले हजरत उसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन उस वीडियो में ये भी है, छुड़वा रहे हिम्मत का काम है यार। यार अब ऑब्वियसली आपका एक बंदा अंदर है, वैसे तो मेरा मैं नहीं जाता, मैं कहता हूँ ये भाई, ये तो ऐसे सीन कभी कभार देखने को मिलते हैं। ब्लैक बेयर जिसको बलोची बेयर भी कहते हैं, बलोची बेयर भी होता है अपना ब्लैक बेयर। तो भाई अब हम आ गए हैं जिराफ के सेक्शन में, यहाँ पे तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिराफ तो मुझे नजर आ रहे हैं। मैरी बड़ा मजा आता था जब बग्गी वाले ना वहाँ पे जरा को खिला देते थे, आवाज मार देते थे, उनके पास से हमारे पास आ जाते थे कस्टमर के पास से, कम ऑन। ये आई है, ये मेरी है, वो आ रही है सेकंड नंबर पे जो आ रही है, कम ऑन। ये फर्स्ट वाली नहीं है? नहीं, ये हैंडसम है। हैंडसम है, हैंडसम तो है। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम का छोड़े, अजान का एहतराम कीजिए और ढेरों ने क्या कमाई है। ओ वाह, सारे यहाँ पर आ गए माशाल्लाह। अच्छा जिराफ के साथ तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। जिराफ को मैंने मुंह से खिलाया था, पता है, मैंने मुंह में सेब रखा था और जिराफ के मुंह में दिया था, लात बहुत जोर से मारते, बस अब पड़ेगी तो पता चलेगा। हाँ, नहीं पड़ चुकी है ना, याद नहीं है लात पड़ चुकी है जिराफ की। जबरदस्त, कौन सी मेरी है? ये वाली मेरी। अच्छा मेरी की खास बात ये है, मेरी बहुत मैच्योर थी, सबसे एडल्ट ये आई हुई थी, एक वाहिद एडल्ट था हमारे पास जो आई थी, वो ये एडल्ट थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा अभी मोबी ने कहा अजलान मैं तुम्हें मोर देखा, तो मैंने कहा छोड़ मोर देख के मैं क्या करूँगा, तो ऐसा हर्ट हुआ ये कि क्या मतलब यार मोर क्यों नहीं देखोगे। तो वाकई में ये जगह हेवन जैसी है, इसका इंक्लोजर बहुत प्यारा है, इसका इंक्लोजर देख ले, ये चारों तरफ आपको पीकॉक की स्पीशीज नज़र आएंगी। इनकी खास बात है, क्या खास बात है भाई, ये दुश्मनी जब करते हैं तो घर तक छोड़ कर आते हैं। हाँ भाई, नहीं वो पटास की बात कर रहा था मैं, पटास वाले, ये नहीं, ये तो बेचारे मासूम है, ये मासूम है, थोड़ा बहुत काट पुट के छोड़ देते। सिल्वेस्टर को काटा है ना? काटा है आपको? हाथ तो काटा था।
ओ कौन सा बर्ड कहते हैं इसको? इमो बर्ड। इमो, इमो, EMU। ये जो वाइट वाइट है ये क्या ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये रियर बर्ड्स हैं, ये पाकिस्तानियों ने बहुत मुश्किल से देखे होते हैं। अब जैसे वैसे जू वर्ल्ड में आ गए हैं लोग एनिमल फार्मिंग में, तो वो देख रहे हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को इस बर्ड्स का, इन बर्ड्स का नहीं पता होता। यार एक बात बताओ, ऑस्ट्रिच पे राइड कर सकते हैं? ऑस्ट्रिच पे राइड हाँ हो जाती है, लेकिन इन ऑस्ट्रिच पे तो नहीं होती है। कुछ पे हो जाए, ये जो आ रही है, हेलो कुट्टू, यार ये तो बहुत प्यारी है। अच्छा तेरी खैर, इधर लात मारते हैं ना वैसे तो। हाँ लात मारते हैं, अटैक करते हैं। ऑन से पूछना उनके साथ क्या हुआ था, है ना, चटके में सीने पे चढ़ के एकदम ड्रम बजा देते हैं पैरों से, दद 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 डुम डुस। वाओ इसकी दहशत देखो यार, कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार अगर टक्कर मारेगा है, टक्कर की खैर, इसके सींग बड़े नोकीले होते हैं, जाहिर सी बात है घुसेंगे और क्या। और जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है ना, ये ऊपर से खाल उतर जाती है, पिन की तरह नुकीले हो जाते हैं इसके सींग, उसके बाद इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप नेक देख रहे हैं इसकी, उफ नेक की खूबसूरती देखें इसकी, बहुत खूबसूरत यार। हमने सारा शिकार शिकार करके अपने मुल्क से ख़त्म कर दिया ये जानवर है। और जो लोग अब बोलते हैं कि जूज नहीं है, अभी आप देखो जूज के अंदर ही इनकी कंजर्वेशन होती है ना, आपका नेटिव एनिमल है और आपके ही मुल्क में नहीं है। आप लोगों के लिए शेर के मुंह के अंदर जाके मैंने वीडियोस बनाई हैं, मतलब हकीकतन, मतलब ये शेर का ही मुंह है, नहीं सॉरी टाइगर का मुंह है, टाइगर का मुंह है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ट्रिप डेंजू में, हेरिया टाउन में है। और डेंजू का पहले इनका सीन था कि डे एंड नाइट जू होना था, लेकिन ये नाइट जू तो खैर नहीं है, लेकिन खैर बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए। मुझे यहाँ पर आना था, यहाँ पर मेरा आना ड्यू था, क्योंकि यहाँ पे वैसे मैं ऑन का शो तो कवर करने आ चुका हूँ एक बार, लेकिन एनिमल्स को कवर नहीं किया था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो का फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसी लगी, खुश रहें, जानवरों से प्यार करते रहें, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें, दुनिया घूमते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।